इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैंट के बारे में, पैंट कैसे आपका जेब लगेगा, कैसे बेल्ट लगेगा, क्या क्या रहता है इसके अंदर, उसके बारे में बताएंगे। और हमारा शर्ट का वीडियो नहीं देखे हो, न्यू पैटर्न ड्रेस का वीडियो नहीं देखे हो शर्ट का, तो आप आई बटन में पहले देख लीजिए उसको, या एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हमारे चैनल पे नए देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं, पहले देख लीजिए ये वाला जेब पहले, ठीक है। ये घुटना जेब है, घुटना जेब का साइज क्या रहेगा ये बता देते हैं आपको। ये है आपका 7.5 इंची का, आप राइट तैयार कीजिएगा, 7.5 इंची, ठीक है, घुटना जेब है, ठीक है, 7.5 इंची। उसके बाद में ये ढक्कन का साइज है 6.5 इंची। इसके अंदर बटन लगेगा और डबल फ्लाप लगेगा, ठीक है, इसके अंदर डबल फ्लाप लगेगा, वैसे ही जैसे अमेरिकन में बनाते थे हम लोग, ठीक है, बस कोना कट जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कोना कट जाएगा। और इसके अंदर ये आप 1.25 इंची का वो बना सकते हैं प्लेट, ठीक है, ये 1.25 इंची का आप प्लेट बना लीजिएगा, 1 इंची 1.25 इंची का, ठीक है, ये 1.25 इंची का प्लेट बना हुआ है, ये प्लेट आप बना लीजिएगा। और ऊपर से पैच पॉकेट लगेगा, ठीक है, इधर कोना कट है आपको पता ही है, ये कोना कट है। और इसमें ये जो पैच लगाइएगा, ये पैच लगा हुआ है, ठीक है, पैच का साइज आप 9 इंची कर लीजिएगा, 9 इंची पैच का साइज, और ऊपर से पैच लगाइएगा जैसे अमेरिकन में लगता था वैसे ही, बस इसमें यह है कि आगे पीछे दोनों साइड में लगेगा, तो आप एक ही पूरा रख करके सिलाई कर सकते हैं, जैसे साइड जोड़ लिए उसके बाद में ऊपर से रख करके पैच सिलाई करने के बाद में ऊपर से 2 सिलाई मार दीजिएगा, या चाहे तो अलग अलग आप काट के लगा सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे दोनों साइड में पैच लगेगा 9 इंची चौड़ा का, ठीक है, ये आपको पैच समझ में आ गया होगा। और पीछे का आपको जेब बता देते हैं, पीछे का जेब का साइज रहेगा 5.5 इंची, ठीक है, यहाँ से आपका 6 इंची, 6.5 इंची, ठीक है, लंबाई 5.5 6, ठीक है, इसमें भी 1.25 इंची का आप प्लेट बना लीजिएगा, और वैसे ही कोना कट, ठीक है, और ढक्कन वैसे ही, ठीक है, बस इसमें साइज का फर्क है, बस और कोई दिक्कत नहीं है जेब का। और ये पीछे जीन्स के जैसे एक सिलाई ज़रूर मार दीजिएगा, ठीक है, जीन्स का जैसे सिलाई होता है ना उसी हिसाब से मार दीजिएगा, थोड़ा सा इधर चौड़ा ले लीजिएगा और इधर से थोड़ा सा पतला, ठीक है, जीन्स में जैसे होता है ना, जिस साइज में होता है उसी साइज में आप मार सकते हैं इसको सिलाई, मतलब 2.5 इंची पे आप मार दीजिएगा इसको सिलाई, ठीक है, ये प्लेट वाला ऐसे पकड़ के 2.5 इंची पे आप सिलाई मार दीजिएगा। बेल्ट इसमें लगेगा 2 इंची का बेल्ट लगा दीजिएगा, 2 इंची का बेल्ट लगाइएगा, बेल्ट के अंदर इस टाइप से प्लास्टिक लगेगा, ठीक है, ये ठीक है, ये अंदर से सिलाई किया गया है, यहाँ पे सिलाई किया गया है। इस बेल्ट का वीडियो मांगिएगा स्पेशल, तो आपको बेल्ट का वीडियो हम भेज देंगे, डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। जेब वैसे ही बनेगा जैसे अपन बनाते हैं क्रॉस पॉकेट जेब, वैसे ही जेब बनेगा। और इसका ये चौड़ा जो है ये 2.5 इंची का लुप्पी रखिएगा, 5 लुप्पी लगेगा, 1 2 देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 लुप्पी लगेगा, ठीक है, ये 5 लुप्पी हो गया। इसके अंदर एक काज यहाँ पे बनेगा, एक काज यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 3 इंची छोड़ दीजिएगा, ये 3 इंची का बेल्ट कटिंग कीजिएगा, ठीक है, आ गया समझ में, 5 लुप्पी बता दिए आपको, लुप्पी कहाँ कहाँ लगेगा सो बता दिए। ये प्लेट के पास में लुप्पी लगा दीजिएगा एक, और एक ये ज्वाइंट के पास, ठीक है, जहाँ से ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे बटन लग जाएगा, एक इसके अंदर में बटन लग जाएगा, चाहे यहाँ पे लगा दीजिएगा बटन, ठीक है, ये बटन आ जाएगा।
ठीक है। इस बेल्ट के बारे में आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम बेल्ट का भी वीडियो एक अलग से बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। और ये जो है पीछे का जो पैच है, पीछे का जो पैच लगेगा ये थोड़ा उस अमेरिकन वाले से छोटा लगेगा, बस और कोई दिक्कत ना है। सिंगल सिलाई से बना लीजिएगा चाहे डबल मार लीजिएगा, ये पीछे का जो पैच है मतलब थोड़ा सा छोटा बनेगा साइज जो बनता था अमेरिकन में, ठीक है। और लास्टिक वैसे ही लगेगा नीचे में, ठीक है, जैसे अपन लगाते थे, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, 2 इंची का बेल्ट जरूर कटिंग कीजिएगा, कटिंग में थोड़ा सा लंबाई छोटा कटिंग कीजिएगा, उसी हिसाब से कटिंग कीजिएगा, 2 इंची का बेल्ट लगाना है तो, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत आया हो, कोई परेशानी आया हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज़।